हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हार्डर डिफरेंशियल में हमारा अगला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमें इस वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा कि जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि कोई क्वेश्चन आता है वाई इक्वल टू साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये जो फंक्शन है साइन एक्स ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है और हमें इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ y इक्वल टू cos x अप टू इन्फिनिटी, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू y स्क्वेयर 10x अपॉन y log cos x माइनस 1। ये फंक्शन दे रखा है, हमें ये चीज प्रूव करना है। तो इसके लिए एक आसान से मेथड ये होती है कि जो भी चीज हमारे पास इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है हम उसकी जगह ले लेंगे y। जैसे कि यहां पर देखते हैं ये y इक्वल टू cos x रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीटेड फंक्शन है रिपीटेड सीरीज है हम उसकी जगह लिख लेंगे y। अब क्वेश्चन ये आता है कि y ही क्यों लिखा, कोई दूसरा फंक्शन क्यों नहीं लिखा। जैसे कि यहां पर देखिए y इक्वल टू cos x है, तो यहां पर भी cos x है, तो cos x की भी वैल्यू y हुई, इस cos x की भी वैल्यू y हुई, इस cos x की भी वैल्यू y हुई, इसलिए हमने इन सभी को नहीं लिखते हुए सिर्फ y लिखा। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि कोई टर्म u y इक्वल टू u की पावर v के फॉर्मेट में आती है तब हम वहां पर लॉग रिदम की मदद से सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, यहां पर भी u की पावर v के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोथ साइड लॉग लेंगे। अब यहां पर लॉग m की पावर n, log m की पावर n हम लगाते हैं तब हमें मिलेगा y log cos x। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहां पर हम डिफरेंशियल करेंगे, log y का होगा 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसा ही, सेकेंड का डिफरेंशियल लॉग कॉस एक्स होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड ऐसा ही लॉग कॉस एक्स, ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल y का होगा dy by
डीएक्स। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, 1/y है, मैं इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा dy by dx इक्वल टू, ये y उधर जाएगा, मैं इसका मल्टीप्लाई करता है y इंटू 1 इंटू माइनस साइन x, मुझे मिलेगा माइनस साइन x इंटू y अपॉन cos x प्लस log cos x dy by dx। अब मैं यहां पर y का मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूं, मैं यहां पर y का मल्टीप्लाई करूंगा, y का जब यहां पर होगा तो y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, और y का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तो y इंटू लॉग कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। ये ब्रैकेट्स में हटा देता हूं। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि dy by dx वाली टर्म्स को अलग करना है, तो ये वाली टर्म जब मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, dy by dx दे रखा है, ये टर्म मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का y log cos x dy by dx, और इक्वल टू में बचा माइनस का sin x इंटू y अपॉन cos x। मैं यहां से dy by dx कॉमन निकाल सकता हूं, मुझे मिलेगा dy by dx, यहां से निकला तो 1 माइनस y log cos x इक्वल टू sin अपॉन cos होता है 10, तो माइनस का 10x इंटू y, ये चीज मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में लिख सकता हूं, मुझे मिलेगा dy by dx इक्वल टू माइनस का y 10x अपॉन 1 माइनस y log cos x। सॉरी, यहां पर y स्क्वायर था, ये y स्क्वायर, यहां पर भी y स्क्वायर। अब यहां से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा y स्क्वायर 10x अपॉन y log cos x माइनस 1। ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस अप टू इंफिनिटी, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू sec square x अपॉन 2y माइनस 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी फंक्शन यदि रिपीट होता है तब हमें उसकी जगह लिखना है y, रूट हम सिर्फ एक बार लिखेंगे रूट 10x, इतना हमने लिख दिया रूट 10x प्लस, अब ये फिर से रूट 10x रिपीटेड फंक्शन है तो हम उसकी जगह y लिख लेंगे। ये रूट साइन मुझे हटाना है, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर लेता हूं, मुझे मिलेगा 2y dy by dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x प्लस y का डिफरेंशियल dy by dx, जो भी सेपरेट सेपरेट है उनको हम एक तरफ करेंगे,
टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर भी डी वाई बाय डी एक्स, ये मैं इधर लेऊंगा तो माइनस का डी वाई बाय डी एक्स, और इक्वल टू में बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां से मैं डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूं, मेरे पास बचेगा टू वाई माइनस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। तो इस तरीके से मैंने एल एच एस इक्वल टू सॉरी इस तरीके से मैंने यहां पर हेंस प्रूव करा है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स अप टू इंफिनिटी, प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस वाई लॉग x। अब इस वाले क्वेश्चन में x x x जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है, मैं लिखूंगा y इक्वल टू x की पावर y, क्योंकि ये u पावर v के फॉर्म में है, तब मुझे बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर y। सिंपली मैं इसे सॉल्व करूंगा, लॉग y इक्वल टू y लॉग x, मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं, वन अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट ऐसा ही सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। सिंपली मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये वन अपॉन वाई है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई इंटू वाई वन अपॉन एक्स होगा वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग डी वाई बाय डी एक्स। मैं वाई का मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, मुझे मिलेगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर और वाई इंटू लॉग डी वाई बाय डी एक्स। अब मुझे यहां पर डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लिखना है, डी वाई बाय डी एक्स ये वाला साइन प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, वाई लॉग डी वाई बाय डी एक्स, और इक्वल टू में बचेगा वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, डी वाई बाय डी एक्स बचेगा वन माइनस वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स है, लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकला तो यहां पर बचेगा लॉग एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। मैं इसका इस एक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जब ये इधर आएगा तो एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू में इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वेयर अपॉन वन माइनस y log x हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड।